Hello friends, I am Devendra Yadav. Today we will discuss 20 most important questions of physics. This video is specially designed for SSC exams. Let's start. मृत तृष्णा निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है हमारे पास अपवर्तन का, विवर्तन का, प्रकीर्णन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। आगे बढ़ते हैं। आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है? ऑप्शन है हमारे पास विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों इसका सही जवाब है प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए काम में लिया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है अवतल दर्पण, ठीक से, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन है हमारे पास 1 डायोप्टर, 0 डायोप्टर, 5 डायोप्टर, 10 डायोप्टर। दोस्तों धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है वो 0 डायोप्टर होती है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश किस रंग का होता है? लाल, पीला, हरा, बैंगनी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी, ठीक है। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है, दोस्तों इसके साथ मैं अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लाल रंग की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, लोहा, सोना, चांदी, तांबा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चांदी। आगे बढ़ते हैं। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास ओम, एम्पियर, कूलम, वोल्ट। इसका सही जवाब है दोस्तों वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वैद्युत अपघटन से संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया है? ओम ने, फेराडे ने, एडिसन ने, वोल्टा ने। तो दोस्तों इसका सही जवाब है फेराडे ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब में फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? लेड का, आयरन का, तांबे का, टंगस्टन का। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। आगे बढ़ते हैं। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक, विद्युत, विद्युत चुंबकीय, रासायनिक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक प्रतिचुंबकीय है? ऑप्शन है हमारे पास लोहा, निकिल, कोबाल्ट, बिस्मिथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिस्मिथ। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है हमारे पास रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, न्यूटन। इसका सही जवाब है चैडविक ने। आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यहां पे हमारे पास चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें है नियंत्रित संलयन से, नियंत्रित विखंडन से, अनियंत्रित संलयन से, अनियंत्रित विखंडन से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रित विखंडन से। आगे बढ़ते हैं। समस्थानिक गुण किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास अणु, परमाणु, यौगिक, तत्व। इसका सही जवाब है दोस्तों तत्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है हमारे पास न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कॉपरनिक्स ने, केपलर ने। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केपलर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेली धूम केतु सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? ठीक है, तो ये हेली धूम केतु जो है ये इसकी परिक्रमा के लिए जो समय दिया गया है ऑप्शंस जो है 46 वर्ष, 56 वर्ष, 66 वर्ष, 76 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, 76 वर्ष में सूर्य की एक बार परिक्रमा हेली धूम केतु करता है, ठीक है।
कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन हमारे पास बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी है? पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा, बुध और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य। तो इसका सही जवाब है दोस्तों पृथ्वी और सूर्य, ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट है। रडार के आविष्कारक कौन हैं? जॉनसन, वॉन टेस्ले, के रॉन्जन, रॉबर्ट वॉटसन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट वॉटसन। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड्स। इफ यू फाइंड एनीथिंग बेनिफिशियल इन आवर वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल डीजेआर फुलफिल्ड जैज़। Thanks for watching. See you in our next video. Till then, bye-bye.